अपने ब्रदर अभय सिंह की बात मानता है वो, दोनों वही षड्यंत्र रचते हैं, उससे अजीत सिंह को मार देते हैं। तो जो भक्त सिंह होता है वो तो नागौर का राजा बन जाता है और जो अभय सिंह होते हैं वो जोधपुर के राजा बन जाएंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, अभय सिंह के टाइम सिर्फ एक चीज होती, एक जो इंसिडेंट है वो हुआ था जिसको हम बोलते हैं खेजड़ी इंसिडेंट, खेजड़ली इंसिडेंट। अभी कब हुआ था देखो, पहले हम पढ़ेंगे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग कब हुआ था, फिर हम पढ़ेंगे इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग कब हुआ था। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग कब हुआ था, तो क्या भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल दशमी, दशमी विक्रमी, विक्रमी संवत, संवत सन 1887, ठीक है, क्या भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रमी संवत 1787 अकॉर्डिंग टू हिंदी कैलेंडर, हिंदी कैलेंडर जिसको हम विक्रमी संवत बोलते हैं। क्या नाम है कैलेंडर का, विक्रमी संवत। अब इसको जो इंग्लिश वीडियो वाला है भाभरों के मरे समझ में नहीं आया, मेरे भी समझ में नहीं आया, सब सामने पूरा एक्सप्लेन किया तब जाके मैं समझी थी। तो ये जो क्या आपको लग रही होंगी ये वर्ड्स क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे और जब मैं कैलेंडर पढ़ाऊंगी तब पढ़ेंगे। अभी हम आप इसलिए ये याद रखो क्या है ये नाम याद कर लो, ठीक है। और मुझे मेंशन जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख के बताओ कि इस टाइम विक्रमी संवत का कौन सा साल चल रहा है, मतलब हिंदू कैलेंडर का कौन सा साल चल रहा है। इंग्लिश कैलेंडर का तो कौन सा चल रहा है 2024, अब बताओ हिंदी कैलेंडर का कौन सा साल चल रहा है, कमेंट में बताना। अब इसको जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो कैसे लिखेंगे, टेंथ ब्राइट डे ऑफ भाद्रपद, भाद्रपद ही लिखना है इंग्लिश वालों में, भाद्रपद विक्रम, विक्रमी क्या, विक्रमी संवत 1787। तो ये जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो ये लिखेंगे, हिंदी वाले ये लिखेंगे, ठीक है। ये तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, यानी विक्रम विक्रमी संवत, ठीक है। अब मैं इधर लिख रही हूँ इंग्लिश में कब हुआ था, इंग्लिश इंग्लिश का जो कैलेंडर है उसमें कब हुआ था, 12 सितंबर, 12 सितंबर 1738। जो ईस्वी वाले जो ईस्वी लगेगा तो वो क्या हो जाता है इंग्लिश कैलेंडर, तो उसके अकॉर्डिंग कब हुआ था खेजड़ी जो इंसिडेंट था 12 सितंबर को हुआ था, और विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग कब हुआ था, भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रमी संवत 1787 एडी, ठीक है। इन दोनों कैलेंडर के बीच में 56 ईयर का गैप चलता है, गैप चलता है कितना 56 ईयर का गैप चलता है इंग्लिश कैलेंडर के बीच में और विक्रमी संवत के बीच में, ठीक है। तो अगर आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि खेजड़ी जो इंसिडेंट है वो ईस्वी के अकॉर्डिंग कब हुआ था, तो ईस्वी के अकॉर्डिंग अगर आएगा तो क्या लिखना है 12 सितंबर 1738 में। अगर वो पूछती है खेजड़ी इंसिडेंट कब हुआ था और ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है पर ये दिया हुआ है तो इसको टैग लगा देना, और अगर ये नहीं दिया हुआ ये दिया हुआ तो इस पर टिक लगा देना, दोनों सही है कुछ भी लिख, जो आए वो लिख देना, पर पहले पढ़ लेना ईस्वी है या विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग, और या ये दोनों मेंशन नहीं है
चलिए उसने यही पूछा है कि ये कब हुआ था, तो दोनों में से जो याद है वो लिख दे। ठीक है, अब ये क्या था, ये इंसिडेंट क्या था? आपको पता है जोधपुर के जो किले का क्या नाम है? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ की में कुछ काम चल रहा था, वहां पे लकड़ियों की आवश्यकता थी। काहे की आवश्यकता थी? लकड़ियों की आवश्यकता थी। उस टाइम पे सीमेंट वगैरह तो हुआ नहीं करते थे, तो वहां पे लकड़ियों की जरूरत थी। राजा ने हुक्म दिया कि आप इसको इसके निर्माण वगैरह करवाओ। तो वहां पे एक सामंत थे, क्या नाम था उनका? गिर धरदास। क्या? गिरधर दास। गिरधर दास ने अपने जो सैनिक थे, सैनिकों को बोला कि जाओ जंगल में, जो वहां पे जहां पर आपको पेड़ वगैरह दिखे वहां से लकड़ियां लेके आओ। तो ये इनके जो सारे थे सैनिक थे वो सब गए और लकड़ियां काटने लगे। काटने लगे जैसे ही उन्होंने देखा कि लकड़ियां काट रहे हैं, उसी टाइम एक लेडी वहां पे आ गई। उनका, आप ये क्या कर रहे हो? ये ऐसी ऐसी बात है, तो हमको पेड़ चाहिए। क्या आपको पता है पेड़ कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? और अगर आपको चाहिए ही सही, तो आप सूखी लकड़ियां ले जाओ, कि हरा भरा पेड़ की गीली लकड़ियां क्यों काट रहे हो? जरूरत इसकी, इसलिए ये काट रहे हैं। तो बोलती है, अगर आप सूखी लकड़ियां लेके जाते तब भी बात समझ में आती है, पर मैं आपको गीली लकड़ियों तो नहीं छूने दूंगी। आपको खेजड़ी पे, तो जो खेजड़ी गांव है, कि खेजड़ी का पेड़ होता है, खेजड़ी एक गांव है, उसमें ही ये पेड़ थे। तो क्या, अगर आपने एक भी पेड़ को काटा ना, तो फिर देख लेना। तो क्या, तू क्या कर ली? मैं कर तो कुछ नहीं सकती, ये बोलते ही वो पेड़ के जाके चिपक जाती है। चिपक जाने के बाद में वो जो सैनिक होते हैं वो इतने क्रूर हो जाते हैं कि वो पेड़ के साथ ही उस लेडी को काट देते हैं। और वो कौन थी? वो थी अमृता देवी बिश्नोई। कौन? अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई कौन थी? अमृता देवी बिश्नोई। उन जो वहां के सैनिक थे, उन्होंने खाली अमृता देवी को ही नहीं काटा था, इनके साथ में इनके बच्चे, जितने गांव के लोग थे, सब आ गए थे विरोध करने के लिए। सबने पेड़ों को पकड़ लिया, और जो सैनिक थे वो इस हद से ज्यादा इतने क्रूर हो चुके थे कि उन्होंने सबको काट डाला था, पूरे गांव को जला दिया था उन्होंने। अमृता देवी बिश्नोई के साथ में उन्होंने 363 पीपल को भी काट दिया था। कितने? 363 पीपल को भी काट दिया था। किन्होंने? सैनिकों ने। तो क्या हुआ था इंसिडेंट? पेड़ की लकड़ी चाहिए थी तो वो काटने गए, तो अमृता देवी बिश्नोई ने वहां पर विरोध किया, नहीं माने, उन्होंने पेड़ को पकड़ लिया। पेड़ को पकड़ने के बाद में सैनिक फिर भी काटते रहे, उन्होंने अमृता देवी बिश्नोई को काट दिया, उनके बच्चे को काट दिया और गांव वालों को काट दिया। जब ये बात राजा को पता चली, मतलब अभय सिंह को पता लगी, हाथ हाथी अच्छे काम रुकवाया, पर जब तक वो देर हो चुकी थी, लोग मर चुके थे, और जो उनके सैनिक थे उन्होंने त्राही त्राही मचा दी थी। अब आप ये देखो, उस टाइम पे ना किसी को पता इन्वायरमेंट में क्या होगा, तब भी एक लेडी और वहां के गांव वाले सब जाके पेड़ को काटने से रोक रहे थे। वो ये चाहते थे हमारा इन्वायरमेंट बचा रहे। तो ये एक इकलौता उदाहरण है, ना भूत ना भविष्य थी, किसी ने पर्यावरण के लिए यानी एनवायरनमेंट के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। तो किसने कर दिए थे? अमृता देवी बिश्नोई ने। किसके साथ करे थे? मतलब और सब लोगों ने, 363 लोग थे जिन्होंने को भी कटवा दिया था। किसने? अभय सिंह की आर्मी ने। एक तरीके से हम यही बोल सकते हैं, आर्मी बोल सकते हैं। अमृता देवी बिश्नोई के नाम से अवार्ड दिए जाते हैं राजस्थान में, ठीक है? और 10th ब्राइट डे ऑफ भाद्रपद। खेजड़ली ऑर्गेनाइज ट्री फेस्टिवल। ये लोग क्या ऑर्गेनाइज करते हैं? ट्री फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं किस दिन? जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था, यानी
ब्राइड डे ऑफ भाद्रपदा, ठीक है, क्या करवाते हैं, ट्री फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज करवाते हैं। इसके बाद में जो 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 इन्वायरमेंट कंजर्वेशन है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन अमृता देवी बिश्नोई के नाम से अवार्ड देती है, क्या देती है, अवार्ड देती इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड इस ठीक है, क्या कह देती है, अवार्ड देती है और एक ट्री फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कोर्ट स्कॉलर्स किसके, अभय सिंह के। पहले कौन से थे, कामधेनु जी, क्या कामधेनु जी, यानी जो किताब थी उसका क्या नाम था, सूरज प्रकाश, क्या नाम था किताब का, सूरज प्रकाश। जो दूसरे थे वो क्या, वीरवान, वीरवान की किताब का नाम था राज पुष्पक रूपक, सॉरी क्या, राज रूपक। इस बुक में हमको पता लगता है किसके बारे में, बैटल के बारे में हमको पता चलता है किस किस के बीच में हुई थी, है अभय सिंह वर्सेस गुजरात गवर्नर, क्या नाम था आपका, सर बुलंद खान। कौन सी बैटल के बारे में बता, बैटल ऑफ अहमदाबाद। बैटल ऑफ अहमदाबाद किस किस के बीच में हुई थी, अभय सिंह वर्सेस गुजरात गवर्नर सर बुलंद खान के बीच में हुई थी। ये बात की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, वीर भान की बुक में, राज रूपक में, ठीक है। तो ये हमने देखा अभय सिंह, कल हम पढ़ेंगे नया राजा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विद स्टडी विद हिमांशु। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।